जी तो हमारे साथ सादिक हलवापुरी मशहूर द मोस्ट फेमस के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं और हम फिरोजपुर रोड शमा स्टॉप वाली आउटलेट में आए हैं। इनका नाम पूछने से नाम बताइएगा। हैदर अली। हैदर अली भाई, तो मुझे बताइएगा कि कब से ये सेटअप चल रहा है, सादिक हलवापुरी का क्याम कब से हुआ? ये हमारी फोर्थ जनरेशन है। अच्छा माशाल्लाह। 1880 अमृतसर से स्टार्ट हुआ था परदादा से। अच्छा माशाल्लाह, तकरीबन 150 साल होने वाले हैं इनको, 140 ईयर्स प्लस हो चुके हैं। और जो है माशाल्लाह, ये उनके नाम पे है? ये मेरे दादा के नाम। आपके दादा के नाम से है माशाल्लाह। तो आप भी फोर्थ जनरेशन मैनेज करिए। आपकी टू ब्रांचेस हमारी टोटल 6 ब्रांचेस लाहौर में। लाहौर में ग्वाल मंडी है, ये है इकबाल टाउन, दहरिया टाउन, TIA रोड और ठोकर। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त हो गया सर। और आप लोगों का जैसे हम लोगों ने नोटिस किया है, संडे को एक स्पेशल हलवा आप लोग लॉन्च करते हैं, ड्राई फ्रूट वाला, और वो बाकी ड्राई फ्रूट बाकी वर्किंग डेज में वो हलवा अवेलेबल होता है। सैटरडे संडे वो हलवा अवेलेबल होता है, बाकी 5 डेज आपके वर्किंग डेज रूटीन जो हलवा पूरी नाश्ते चल रहा होता है वो होता है। और कोई त्यौहार पे, शब बरात, मोहर्रम में कोई स्पेशल और चीज भी आप लॉन्च करते हैं या रूटीन में यही होता है? बिल्कुल, लुच्ची हलवा होता है शिवरात पे। अच्छा, वो क्या हो, थोड़ा एलिब्रेट कीजिए। वो भी मैदे की बनती है, वो जरा कच्ची होती है थोड़ी सी। अच्छा, तो लुच्ची हलवा कहलाते हैं इसको। तो आइए, बाकी जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, हर कोई सारी खलोपुरी के नाम से वाकिफ है। नाश्ता करते हैं, फिर फीडबैक देते हैं। बहुत शुक्रिया सर, काम नहीं करते। जी तो वेलकम करते हैं आज हम आपको अपने स्टूडियो से। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम वहाँ पे अपना रिव्यू नहीं शूट कर सके थे, तो आज हम आप अपना रिव्यू इसी स्टूडियो से देंगे। तो अपनी फर्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक्सेस कैसा है? मेन फिरोजपुर रोड पे अगर आप जा रहे हैं तो शमा चौक पे कैंप जेल के बिल्कुल साथ आपको इनकी लोकेशन मिल जाएगी, और मशहूर लोकेशन है लाहौर की, एक प्राइम लोकेशन पे उनकी शॉप है, तो एक्सेस के लिहाज से आपको कोई मसला नहीं हो रहा। सेकेंड कैटेगरी की तरफ चलते हैं, यहाँ पर एम्बियंस और हाइजीन कैसा है? एम्बियंस सिटिंग के लिहाज से एक बहुत अच्छा है, आप फैमिली के साथ जा सकते हैं। और बाकी जैसे हलवापूड़ी वाले होते हैं उनकी बाहर सेटअप होता है, इसके ऑपोजिट इनका अंदर शेड में अपना सेटअप है तो क्लोज टू एयर ही, बट एक थोड़ा सड़क से हट के अंदर सेटअप है इनका सारा, तो यानी बेहतर सेटअप है, बाकियों की तरह नहीं है कि आपने बिल्कुल सड़क पर ही आप लगा के बैठे। तो अपनी थर्ड कैटेगरी पर चलते हैं जो कि मोस्ट अवेटेड कैटेगरी होती है, यहाँ का टेस्ट कैसा है? टेस्ट की अगर बात करें ना, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जब हलवा पूड़ी खा रहे होते हैं ना गरम गरम, तो चने खत्म हो जाएं, सब्जी खत्म हो जाए, आप उसको कहते हैं ना, तो 2-2.5 मिनट लग जाते हैं तब तक आपकी पूरी ठंडी होगी। तो इनकी एक चीज़ अच्छी है कि ये सर्व जिसमें करते हैं ना, एक बाउल के अंदर पूरे चने सर्व करते हैं, आपको जितने चाहिए आप वो स्पून के थ्रू निकाल लें, तो और बाकी वो फिर दोबारा से उसमें ऐड कर देते हैं गरम, तो आपके गरम ही रहते हैं। तो ये मसला आपको कभी भी नहीं होगा कि यार चने ले आओ, ऐ ले आओ, वो ले आओ। अच्छी चीज ये है कि उससे वो उनका वेस्ट भी नहीं होगा, वेस्ट भी नहीं होता, चने वेस्ट भी नहीं होता, क्योंकि लोग चने तो डलवा लेते हैं अक्सर, उनके वेस्ट हो जाते हैं। तो और आलू की सब्जी अलहदा है, चने की सब्जी अलहदा है। तो बाकी ओवरऑल अगर टेस्ट की बात की जाए, आप बोल गए कचौरी भी हमने टेस्ट की थी। हाँ, तो हमने जब कचौरी भी ट्राई की तो बहुत अच्छी लगी कचौरी, बिल्कुल गरम गरम आपको संडे को, तो आपको और रोज वो फ्रेश बनाते हैं, हम संडे को गए थे तो हमें संडे को तो फौरन गरम गरम मिली है, हमने तवे से मतलब चूल्हे से निकली है और हमारे पास, तो बहुत उनकी वो डिमांड ही इतनी ज्यादा है, वो रश बहुत ज्यादा था इनके पास। तो कचौरी बहुत लोगों से तो बहुत ही बेहतर है ना, समझ गए होंगे आप किस बातें कर रहा हूँ मैं, उन सबसे बहुत बेहतर है। फोर्थ कैटेगरी यहाँ पे सिटिंग, जैसे स्नैन ने बता दिया है कि सिटिंग इतने 2 से 3 बड़े हॉल जिनके पास मौजूद हों, हलवा पूरी नाश्ते वालों के लिहाज से मेरे ख्याल से इस पूरे इलाके में इतने लाहौर में किसके पास होगा, इतने लग्जरियस नहीं होगी किसी के पास, सीट्स लगी हुई है, डाइनिंग टेबल्स हैं उस पे आपको सर्व करते हैं, आप इससे अंदाजा लगा, 3 हॉल्स हैं तो आपको आराम से सिटिंग मिलती है, आप शॉर्ट्स में देख लें फैमिलीज बैठी हुई है तो बैठी हुई है,
बहुत रश रहता है यहाँ पे, फैमिली आती है। हालांकि हलवा पूरी वाली दुकानों पे फैमिली अक्सर नहीं देखते आप, लेकिन ये शादी का हलवा पूरी क्या ही बात है। तो लास्ट कैटेगरी पे चलते हैं सर्विंग एंड और इनकी प्राइसिंग के लिहाज से। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक इतना जिनके पास इतनी अच्छी सेटिंग भी हो और जिनके पास इतना अच्छा टेस्ट वगैरह हो वो इतनी सस्ती हलवा पूड़ी हो सकती है। यानी आम दुकानों से भी इनकी जो है ना प्राइसेस वो भी कहीं 5-10 रुपये सस्ती होगी पर प्लेट जो सर्व करते हैं, एक पूड़ी और एक साथ चने और हलवा। तो मेरे लिहाज से अगर सारी कैटेगरीज को मैं देखूँ ओवरऑल रेटिंग करूँ तो प्राइसिंग टेस्ट और सब कुछ मिला के फिर से वही बात है कि 9 रेट करूंगा। तो आप जरूर रिकमेंडेड है कि आप आए। प्राइसेस आपके सामने चल भी रही होंगी और मैं तो शायद इनको 9.5 भी रेट कर दूं क्योंकि देसी घी की सारी चीजें हैं और मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर में इससे बेस्ट कोई हलवा पूड़ी बनाता होगा क्योंकि रश एक जगह पर रश जो है ना वो ही आपको बताता है कि वहाँ पे कस्टमर कितना आ रहा है। तो क्योंकि जाहिर है उनको अच्छी लग रही है तो वो आ रहा है इतना कस्टमर। चले इस नैन का बहुत बड़ा दावा है, इंशाल्लाह हम और लाहौर भी ट्राई करते रहेंगे बेस्ट तो पता चल ही जाएगा। इंशाल्लाह एक व्लॉग हम जरूर बनाएंगे, इसमें आपको लाहौर की तमाम बेस्ट हलवा पूरी टॉप 5 हलवा पूरी जो होंगी वो आपको जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे ऑनेस्ट वाली। बिल्कुल। तो इसी के साथ अपना व्लॉग इख्तिताम करते हैं इस अपने बन के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान की पॉजिटिविटी में अपना किरदार आप जरूर अदा करें, पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज को प्रमोट करें। सो हम मिलेंगे आपको इस तरह किसी और व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।